डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 47। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ, और अब हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। एक्सरसाइज 47 में कुछ क्वेश्चन जो है वो व्हाट प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए कार ट्रेवल्स इतना किलोमीटर इन 9 आवर्स, 9 घंटे में इतने किलोमीटर वो चलती है। हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट ट्रेवल इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में यह कितना किलोमीटर चलती है। तो यहाँ किलोमीटर दूरी निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 17। और सबसे पहले इसको स्टेटमेंट लिखते हैं कि इन 9 आवर्स ट्रेवल्स ए कार कितना किलोमीटर चल रहा है। 561.9 किलोमीटर, जो हमें निकालना हो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। किलोमीटर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग किलोमीटर लास्ट में लिखेंगे। अब इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में ट्रेवल्स ए कार, एक कार जो है कितना दूर चलती है, वही कार 1 घंटे में कितना चली, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। इसको 9 से डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, 1 घंटे में कितना दूरी चली। तो यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0.9 और 9 6 जा 54 होता है, 2 बच गया, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो 9 3 जा 27 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 2 जा 18 हो गया, कितना गया, 3 कट गया ये। अब पॉइंट वाला नंबर लेंगे, यहाँ 9 ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, कितना बार जाएगा, 9 4 जा 36, और यहाँ पे 3 हो गया, तो पॉइंट है तो यहाँ 0 ले सकते हैं, और फिर 9 3 जा 27, और फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ कट जाएगा, तो 3 3 फिर 0, इस तरह से मतलब 3 3 चलता रहेगा, तो हम 2 डिजिट तक ले सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 62.43 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें दिया हुआ है प्रीति ट्रेवल ए टोटल ऑफ इतना किलोमीटर। प्रीति जो है टोटल मतलब कम्प्लीटली वो इतना किलोमीटर चलती है। सी यूज्ड इतना लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इतना चलने के लिए उसको इतना पेट्रोल लग गया। हाउ मैनी किलोमीटर्स पर लीटर डिड सी एवरेज, तो फिर उसको 1 किलोमीटर में कितना दूर वो चली, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर में वो कितना दूर चली। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, इन 26.5 लीटर, ठीक है, इतना लीटर पेट्रोल में वो कितना चली, पेट्रोल ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल की वो, इक्वल टू 291.5, इतना किलोमीटर वो चली, तो फिर 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना चली, तो इन 1 लीटर पेट्रोल ट्रेवल, कितना ट्रेवल की 1 लीटर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 291.5 बाय 26.5, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं जो इसका आंसर आएगा वो उतना ही किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में वो चली। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो इसके बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसका पॉइंट जो है 1 बार इधर चलेगा, इधर चलेगा तो क्या होगा कि इसका पॉइंट तो हट गया और इसका भी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका भी पॉइंट हट गया। तो कम्प्लीटली हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया और यहाँ पे पॉइंट ख़त्म, कम्प्लीटली यहाँ पे विदाउट पॉइंट वाला नंबर आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 3 डिजिट में 265, तो 3 डिजिट में यहाँ पे इससे बड़ा है, मतलब 3 डिजिट में हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ 2 बार में जाते हैं तो 400 प्लस हो जाएगा, 500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 1 बार में हम लोग जाएंगे तो 265, कितना बचा, 11,
फाइव तो सिक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया एट, एट में सिक्स तो टू हो गया, ये कट गया और ये फाइव नीचे आ गया 265, मतलब वन बार में फिर आ जाएगा ये 265, कम्प्लीटली कट गया तो कितना आया 11, मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर, ये आंसर हो गया।